नमस्कार दोस्तों। कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जब कोई व्यक्ति हमसे कुंडली कंसल्टेशन करवाते हैं या कहीं और भी कुंडली कंसल्टेशन करवाते हैं, तो उनसे ये कहा जाता है कि भाई ये ग्रह जो है ये आपके बहुत अच्छे ग्रहों में से एक है, और जब इस पर्टिकुलर ग्रह की महादशा आपको शुरू होगी तो ये आपको जस्ट लाइक गोल्डन पीरियड महसूस करवाएगी। मतलब बहुत अच्छा आपके लिए वक्त होगा, बस आप इस ग्रह की महादशा आने का इंतजार करिए, इसकी प्रतीक्षा करिए। जो व्यक्ति होते हैं वो उस आस में कि भाई ये ग्रह की महादशा जो है ये आने वाली है और मेरे लिए गोल्डन पीरियड, या कम से कम आज जो मैं परेशानियों से जूझ रहा हूँ, जो दिक्कतों से जूझ रहा हूँ, कम से कम ये दिक्कतें ये परेशानी तो खत्म हो जाएंगी और गोल्डन पीरियड और बहुत अच्छा समय जो है वो शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और इस आशा के साथ जो है जितने भी वर्ष बचे हुए होते हैं खराब दशा के वो निकालने का प्रयास करता है। लेकिन फिर अचानक से ये देखा जाता है कि जब जो महादशा जिसकी कह रहे थे कि भाई ये अच्छी रहेगी, ये ग्रह आपके लिए अच्छे हैं, इसकी महादशा आपको गोल्डन पीरियड महसूस करवाएगी, जब वो महादशा लगती है तो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया उस महादशा को लगे, 3 महीना हो गया उस महादशा को लगे, बिल्कुल कोई अच्छे फल देखने को नहीं मिलते हैं, तब एक निराशा आती है कि यार बड़े लंबे वक्त से इस महादशा का हम इंतजार कर रहे थे कि ये अच्छा ग्रह है हमारा, इसकी महादशा हमें बहुत अच्छा फल देने वाली है, लेकिन 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, हमें जो है वो बिल्कुल अच्छे फल देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये बहुत कॉमन है, मेरे पास कई सारे लोगों के द्वारा ये सवाल किया जाता है, कई सारे लोग परेशान होकर के फिर मेरे पास आते हैं कि सर हमें आपने ये कहा था या फला फला एस्ट्रोलॉजर ने हमें ये कहा था कि ये महादशा हमारे लिए गोल्डन रहेगी, लेकिन 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए इस महादशा को लगे, 5 महीने हो गए, लेकिन कोई गोल्डन जैसा तो लग ही नहीं रहा है, कोई अच्छा पीरियड तो लग ही नहीं रहा है, वही का वही पीरियड हमें महसूस हो रहा है। हाँ थोड़ा बहुत दीदी चेंज हुआ भी है, लेकिन कोई खास चीज़ें हमें समझ आ नहीं रही, तो क्या इसका इसकी क्या वजह है, क्या ऐसे ही चलने वाला है पूरा जीवन? तो एक मैं आपको यहाँ पर बात क्लियर कर दूं कि जैसे कि मौसम होते हैं, भाई भारत की हम बात करते हैं तो टिपिकली जो जून का समय होता है उसे गर्मियों का समय कहा जाता है, हाँ मई जून का समय गर्मियों का समय होता है, जुलाई अगस्त का समय जो होता है वो उसे कहते हैं बारिश का समय। अभी जून का समय गर्मियों का समय तो है, लेकिन क्या ऐसा होता है कि ये बात पक्की हो गई कि 15 जून को गर्मी ही पड़ना है, बारिश नहीं होगी? या फिर क्या ये बात पक्की हो गई कि 15 जुलाई को बारिश ही होगी, गर्मी नहीं होगी? भले ही हमने ऋतुएं बांट दी कि भाई जुलाई से जो है बारिश शुरू हो जाती है, जून तक गर्मी रहती है, लेकिन इसका ये मतलब तो कतई नहीं कि 15 दिन आगे पीछे नहीं हो सकता। तो 15 दिन ऋतुएं आगे पीछे तो हो जाती है ना, तो जो 4 4 महीने की ऋतुएं रहती हैं ये 15 15 दिन आगे पीछे हो जाती है, मिक्सअप हो जाता है इसमें, कभी बारिश होती है कभी गर्मी होती है। तो इतनी बड़ी बड़ी दशाएं जो 20 साल की, 18 साल की, या जो भी है 8 8 साल की, जो भी जिस भी ग्रह की महादशा चल रही है, क्या ये मिक्सअप नहीं होगी? क्या ये महादशा आपको चल रही है इतने सालों से तो अचानक से एक दिन में जो है क्या चेंज हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। आप इस बात को समझें कि एक होता है दशा छिद्र, दशा छिद्र जो होता है वो महादशाओं के मिलन का, मिलन के बीच का जो समय है वो होता है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल भी दिया, उस मिलन के बीच के समय मैं उदाहरण देकर के समझाता हूँ। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को केतु की महादशा चल रही है जो कि खत्म होने वाली है जून में, और जुलाई से जो है वो शुक्र की महादशा लगने वाली है। तो मान लीजिए 1 जुलाई से शुक्र की महादशा लगने वाली है, तो 1 जुलाई जैसे ही सुबह व्यक्ति उठेगा तो उसको ये कुछ अलग अलग नहीं लगेगा, उसे वही सामान्य दिन लगेगा जो कि पहले जून में भी उसे महसूस हो रहा था। लेकिन ये जो पीरियड रहा, ये जो जून का या जुलाई का पीरियड रहा, इसे हम कहते हैं दशा क्षेत्र। इसमें दो दशाएं जो हैं वो मिली और एक दशा से दूसरे दशा की तरफ जिंदगी को हैंड ओवर किया गया। भाई जिंदगी होती है हैंड ओवर ही होती है दशाओं के ऊपर। तो ये दशा छिद्र करीब करीब 6 6 महीने तक चलते हैं, कई बार ये देखा गया है 8 8 10 10 महीनों तक चलते हैं। मतलब हो सकता है कि
शुक्र के रिजल्ट जो है केतु महादशा खत्म होने के 8 या 10 महीने पहले से ही देखने को मिल जाए। कई बार ये होता है कि केतु महादशा के रिजल्ट शुक्र महादशा लग जाए उसके भी 8 से 10 महीनों तक देखने को मिले, या फिर कई बार मिक्स रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, कई लोगों को मिक्स फल मिलते हैं। कई लोग कहते हैं हाँ सर हमसे कहा गया था कि गोल्डन पीरियड होगा, लेकिन गोल्डन पीरियड तो नहीं, लेकिन चीजें थोड़ी 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 बेहतर होने लगी हैं, तो मतलब मिक्स पीरियड उसे लग रहा है। कई लोग कहते हैं शुक्र की महादशा तो अभी आई भी नहीं, 2 4 महीने 5 महीने और बचे हुए, लेकिन अभी से हमें जो है बहुत अच्छे उसके फल देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा ये होता है, ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, हर व्यक्ति के कुंडली के हिसाब से होता है, उसी कुंडली के आधार पर ये जाना जाता है, लेकिन फिर भी ये बहुत कॉमन है। दशा क्षेत्र बहुत कॉमन चीज है, जिस तरह से ऋतुएं मिक्सअप हो जाती हैं ऐसी दशाओं के रिजल्ट्स भी मिक्सअप हो जाते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, तो अपने दिमाग से एक जो एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है, जो चिंता है, उसको निकालिए। आप यदि आपसे ये कहा गया है, देखिए मुझे तो नहीं पता किसी और एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रेडिक्शन किया और उसके एनालिसिस क्या है, उसके गणित क्या है, वो कितना एक्यूरेट प्रेडिक्शन करता है या करती है मुझे नहीं पता, लेकिन यदि मैंने किसी को कहा है कि भाई ये महादशा या ये ग्रह आपके लिए अच्छा है, इस ग्रह की महादशा आपके लिए अच्छी होगी, तो करीब करीब 8 10 महीना इंसान ने रोकना चाहिए, उसके बाद में उस महादशा के कुछ फल देखने को मिलते हैं। एक और बात यहाँ पर बताना चाहूंगा, एक तो दशा छिद्र की बात मैंने आपसे कही, एक और फैक्टर होता है इसमें, एक और फैक्टर ये होता है कि उसी ग्रह की दशा में उसी ग्रह की अंतरदशा का चलना। जैसे मैंने कहा भाई शुक्र की महादशा लगी, कई लोग जो होते हैं उन्हें 8 10 महीने निकलने के बाद भी अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिल पाते हैं। उसकी वजह यह होती है कि कई बार ये देखा गया है कि महादशा में, जैसे मान लीजिए शुक्र की महादशा चल रही है या लगी है, तो उसमें सबसे शुरुआत में शुक्र की ही अंतर्दशा होगी, तो शुक्र की महादशा में, शुक्र की ही अंतर्दशा में उसको रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिल पाते। तो शुक्र की अंतर्दशा जाएगी तब अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब शुक्र में जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है जिस भी ग्रह की महादशा लगी है उस ग्रह में उसी ग्रह की जब अंतरदशा जाएगी तो हो सकता है कि उसको अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। तो कई बार ये दो फैक्टर जो हैं ये 100% काम करते हैं, दशा क्षेत्र तो 100% काम करता ही करता है। कई बार ये देखा गया है 50-60% ये भी देखा गया है कि महादशा में उसी की अंतरदशा अच्छे फल नहीं दे पाती, उसके बाद में फिर जब उसकी अंतरदशा चली जाती है तो अच्छे फल देखने को मिलते हैं। तो आपका आज के इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा ये था कि आप निराश बिल्कुल ना हो। आने वाला जो पीरियड है, यदि आपसे मेरे द्वारा ये कहा गया है कि भाई महादशा जो है वो अच्छी रहेगी, या मेरे किसी वीडियोस के माध्यम, जरूरी नहीं कि आपने मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लिया हो और तब मैंने आपको कहा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने वीडियोस के माध्यम से भी कहा होगा कि भाई इस जगह पर ये ग्रह कहीं बैठा होगा तो वो आपको अच्छे फल देगा। यदि मैंने ऐसा कहा है तो आप निश्चिंत रहें, वो ग्रह आपको जरूर से अच्छे फल देगा, लेकिन ये दो फैक्टर्स जो हैं इनका ध्यान रखें। कई बार दशा क्षेत्र के बाद, कई बार दशा में अंतरदशा के बाद जो है वो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन जरूर मिलते हैं, इस बात पर आप जरूर विश्वास रखें। बिल्कुल चिंता ना करें, बस इसी इसी एक चिंता मैंने कई लोगों में देखी, तो इस वजह से आज के वीडियो बनाने का मेरा मन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।